अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप यहाँ सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और इसके साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से आगाह रह सकें और जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक बयक वक्त पहुँच सके। इसका भी आपने सोचा है कि आप इंस्टाग्राम की वीडियोस और पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं या उनको जूम करके देख सकते हैं? यकीनन आपने सोचा होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो आज मैं आपके लिए जो एप्लीकेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसमें आप इंस्टाग्राम यूज़ भी कर सकते हैं और आप इन तीनों चीज़ों को हासिल भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कौन सी एप्लीकेशन से इंस्टाग्राम पे पोस्ट की गई पिक्चर्स वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं और पिक्चर्स को जूम करके देख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो भी आपके पास इंस्टाग्राम की ओरिजिनल एप्लीकेशन है, अगर आप उसमें जाएं तो आप उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसकी वजह से आप ना उसमें से कोई तस्वीर को डाउनलोड कर सकते हैं, ना वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, ना किसी चीज़ को आप जूम करके देख सकते हैं। तो इंस्टाग्राम वालों ने यह रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपने जब अगर कोई भी तस्वीर शेयर करता है सोशल नेटवर्क पे इंस्टाग्राम से हासिल की गई, तो वो पहले इसको स्क्रीन शॉट लेता है उसका, फिर इसको क्रॉप करता है या ब्लर करता है, जो भी करता है। तो आज मैं जिस एप्लीकेशन के साथ हाजिर हुआ हूँ, उस एप्लीकेशन का नाम है OG इंस्टा प्लस। तो ये एप्लीकेशन मैं ढूंढ रहा था कि सर्च किया मैंने कभी गूगल पे कि आप इंस्टाग्राम की पिक्चर्स को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, इससे आपका भी भला हो जाए और आपके जो भी आप तस्वीरें या पिक्चर या वीडियोज़ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन किस तरह काम करती है और आप इसको कहाँ से हासिल कर सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट कौन सी और आप इसमें से किस तरह डाउनलोड करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी इसका लिंक खोला हुआ है, तो इसको हमारे पास ये साइट ओपन होगी। साइट का नाम है androidapkfree.com। तो आप मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने साइट पे आना है, OG इंस्टा प्लस इसका नाम है, यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है तो ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने डाउनलोड करना है, फिर इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो आपकी ये पहले डाउनलोड होगी, फिर आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने इंस्टॉल की भी, मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करता, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस एप्लीकेशन से किस तरह अपनी पिक्चर्स या वीडियोज या डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ डायरेक्टली इस साइट में, OG इंस्टा प्लस मैंने ओपन कर लिया। इसी तरह का इंस्टाग्राम की तरह का इसका आइकन होगा, ये हमारे पास ओपन हो गई साइट। फॉर एग्जांपल मैंने इस तस्वीर को जूम करके देखना है, मैं इस पे लॉन्ग प्रेस करूंगा, मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह काम करती है, कि ये हमारे पास एक तस्वीर है जिसने भी इसको अपलोड किया है। तो मैंने इसका अगर इसको जूम करके देखना है तो मैं इस पे एक बार लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ये तस्वीर इस तरह ओके बाहर निकल आएगी। फिर अब मैंने इसको जूम करना है तो इसको आप ऐसे डबल टैप भी कर सकते हैं और आप इसे जूम नॉर्मल तरीके से पिंच आउट और पिंच इन करके भी जूम कर सकते हैं। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई वीडियो मुझे मिलती है तो ये मेसी की तस्वीर है, तो अगर मैं इसको यहाँ से निकालना चाहूँ ओरिजिनल इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन में, तो मैंने मुझे एक होम बटन, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप बटन दबा के इसका इस तरह से स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा। लेकिन इस एप्लीकेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि मैं ये जो तीन डॉट हैं पिक्चर्स के ऊपर, इन पे जाऊंगा और इसमें ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड, तो ये आपकी जो पिक्चर है या जो भी है ये डाउनलोड हो जाएगी। ये अली ज़फ़र की पिक्चर, अगर कोई देखने की, अब मुझे अली ज़फ़र की पिक्चर पसंद आ गई है तो मैंने क्या करना है कि इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उधर डाउनलोड कर लेना है। इसके और भी ऑप्शन हैं, यानी कि शेयर URL, तो वो उधर भी होता है, कॉपी शेयर URL, टर्न आउट पोस्ट नोटिफिकेशन और ये शेयर ऑन व्हाट्सएप, ये सारे इसके नोटिफिकेशन है। तो इस एप्लीकेशन को कुछ, यानी कि आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यानी कि कुछ जो इमोजीज़ वगैरह होते हैं वो इस एप्लीकेशन पे शो नहीं होते। बाकी एप्लीकेशन बिल्कुल इसी तरह का एक्सपीरियंस जिस तरह के आप इंस्टा की एप्लीकेशन नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एप्लीकेशन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली चेक करें। ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, अगर आपने मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये मेरी शॉर्ट वीडियो थी कि जो मैंने आपको बताना था कि आप इंस्टाग्राम से पिक्चर्स या जो वीडियोज़ हैं उनको किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। मेरी ये शॉर्ट वीडियो इसी बारे में थी कि आप किस तरह इंस्टाग्राम से तस्वीरें या पिक्चर्स या जो वीडियोज़ हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में या इसको यूज़ करने में कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें उनके लिए भी, ताकि ये मदद का बायस बन सके। ताहिर रहमान को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।